दो दिन के महाराष्ट्र दौरे पर पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह ने सोमवार को शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। शाह ने कहा कि जो लोग पॉलिटिक्स में धोखा देते हैं उन्हें सबक सिखाने की जरूरत है। शिंदे सरकार बनने के बाद शाह पहली बार महाराष्ट्र पहुंचे हैं। भाजपा नेताओं को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना ही असली शिवसेना है जो हमारे साथ है। शाह ने कहा कि शिवसेना में टूट एक व्यक्ति की लालच की वजह से हुई है। सत्ता के लिए उद्धव ने विचारधारा से समझौता कर लिया। सूत्रों के मुताबिक शाह ने मीटिंग में पार्टी नेताओं से कहा कि मैंने उद्धव ठाकरे को कभी मुख्यमंत्री बनाने का वादा नहीं किया। हम बंद कमरे में नहीं सीना ठोक कर राजनीति करने वाले लोग हैं। अगर हम बयान दिए होते तो शिवसेना के नेताओं को जरूर मुख्यमंत्री बनाते। महाराष्ट्र में 2019 का विधानसभा चुनाव भाजपा और शिवसेना ने मिलकर लड़ा था। 288 सीटों पर हुए चुनाव में भाजपा को 105 और शिवसेना को 55 सीटें मिली थी। चुनाव के बाद शिवसेना ने ढाई ढाई साल के सीएम बनाए जाने की मांग रखी थी। शिवसेना का कहना था कि अमित शाह और उद्धव ठाकरे के बीच इस पर चुनाव पूर्व सहमति बन गई थी। आखिर में शिवसेना के इस मांग पर भाजपा तैयार नहीं हुई, जिसके बाद शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली।